डाइट मंडी में हाल ही में हुई माध्यमिक स्कूल योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा का मूल्यांकन कार्य चल रहा है। मूल्यांकन के बाद हर ब्लॉक से दो लड़के और दो लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये जानकारी डाइट मंडी के डिप्टी डायरेक्टर केडी शर्मा ने दी। शर्मा ने बताया कि 26 नवंबर को ली गई छात्रवृत्ति परीक्षा में 21 ब्लॉक्स के 3,923 बच्चों ने भाग लिया था। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति परीक्षा का मूल्यांकन कार्य डाइट मंडी में चल रहा है। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन के बाद हर ब्लॉक से दो लड़के व लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसके तहत बच्चों को प्रतिवर्ष नगद राशि प्रदान की जाती है और ये छात्रवृत्ति 3 साल तक दी जाती है। 20 नवंबर को मिडिल स्कूल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम मंडी जिला में किया गया था। इसमें 21 ब्लॉक्स के 3,923 बच्चों ने भाग लिया। इसका इवैल्यूएशन डाइट मंडी में चली हुई है। 2-3 दिन में इवैल्यूएशन कम्प्लीट हो जाएगी। इस इवैल्यूएशन के बेसिस पर हर ब्लॉक से दो लड़के और दो लड़कियों का चयन किया जाएगा। इस तरह मंडी जिला में कुल 21 ब्लॉक हैं। इसमें 84 छात्र छात्राओं को मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इस मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम में 800 रुपये प्रति वर्ष के दर से स्कॉलरशिप दिया जाता है और ये 3 सालों तक बच्चों को मिलता है, 6ठी, 7वीं और 8वीं तक। तो मंडी जिला में जो बच्चे इस स्कॉलरशिप को जीतेंगे उनको मेरी तरफ से अग्रिम बधाई।